नमस्ते। जो कार्यक्रम अब आप देखने जा रहे हैं, ये उन मरीजों की मदद के लिए है जिनमें कुछ दिन पहले कैंसर होने की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन इसमें मरीजों, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए सर्जरी के अलावा इलाज के दो सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीकों के बारे में जानकारी भी है, जिन्हें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कहते हैं। ये कार्यक्रम केवल उन डॉक्टरों और नर्सों द्वारा ही नहीं लिखा गया जिन्हें कैंसर की मरीजों की देखभाल का अनुभव है, बल्कि खुद उन मरीजों के द्वारा भी लिखा गया है जो वास्तव में इस इलाज का दौर पूरा कर चुके हैं। हमने यहाँ इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है और शायद आपको ये जानकारी काफ़ी केंद्रित महसूस होगी, इसलिए आपको ये कार्यक्रम एक से ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें आशा है कि इससे आपको और आपके परिवार को कुछ ऐसे फैसले करने में मदद मिलेगी जो अक्सर इस समय पर करने पड़ते हैं, और शायद इससे आपको इलाज के दौरान अच्छी और बुरी स्थितियों का सामना करने में भी मदद मिलेगी जो आपके सामने आने वाली है। हॉस्पिटल डिपार्टमेंटों का संचालन विभिन्न प्रकार से होता है और इलाज की नीतियां अलग अलग होती हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का लक्ष्य एक सामान्य परिदृश्य प्रस्तुत करना है जो कि एक प्रकार के ट्यूमर वाले मरीजों में अलग अलग हो सकता है। आपका विशेषज्ञ डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगा ताकि मरीज का खास इलाज किया जा सके। इसके पहले कि आपका इलाज शुरू हो, आपसे बात की जाएगी। यदि आप इस इलाज के लिए सहमत होते हैं तो आपसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जाएगा। इस पत्र का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि आपने इलाज के बारे में सारी बातें समझ ली हैं और आपको इसके विपरीत प्रभावों की जानकारी है। कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए रसायनों के इस्तेमाल को कीमोथेरेपी कहते हैं और एक्सरे के इस्तेमाल को रेडियोथेरेपी। कैंसर के सभी मरीजों का इलाज कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत से लोगों का इलाज इसमें से एक के द्वारा किया जाता है और कुछ को दोनों की जरूरत पड़ सकती है। आपको इस बारे में बताया जा चुका होगा कि इनमें से आपका इलाज कौन सा होगा, और हो सकता है कि आप कैसेट को उस भाग तक फास्ट फॉरवर्ड करना चाहें जो आपसे संबंधित है। ऐसा करने में आपकी मदद के लिए हमने कीमोथेरेपी के इलाज का वर्णन करने वाले भाग के दौरान आपके स्क्रीन के ऊपर दाहिने भाग में नीले रंग का सी दिखाया है। जब कार्यक्रम शुरू होगा ये अक्षर लाल रंग के आर में बदल जाएगा और आप पूरे कार्यक्रम को जितनी बार चाहें, जिसके साथ चाहें देख सकते हैं। अब हम कीमोथेरेपी की शुरुआत करते हैं। कैंसर का इलाज करने के लिए दवाओं या रसायनों के इस्तेमाल को कीमोथेरेपी कहते हैं। आपके कैंसर विशेषज्ञ के पास 50 से अधिक दवाओं का विकल्प है जिन्हें एक अकेले या अलग अलग मिश्रणों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी बीमारी की गंभीरता, आपकी स्थिति और आपके लिवर और गुर्दे की काम करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। कीमोथेरेपी की शुरुआत से पहले कई तरह की जाँच की जाती है। कीमोथेरेपी आमतौर से अंतरालों में की जाती है जो ज्यादातर 3 से 4 सप्ताह के अंतरालों पर कुल 4 से 6 महीनों तक चलते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अंतरालों के बीच आपके शरीर की सामान्य कोशिकाएं जो ऊपर की लाइन है दोबारा ठीक हो जाती है, लेकिन ट्यूमर वाली कोशिकाएं जो नीचे की लाइन है ठीक नहीं होती। ये आशा की जाती है कि कीमोथेरेपी के पूरे दौर में ट्यूमर की कोशिकाएं नष्ट हो चुकी होंगी, जिसके कारण शरीर सही सलामत होगा। अधिकतर मामलों में आपको दिए जाने वाले कीमोथेरेपी के इलाज की सही खुराक का हिसाब आपकी लंबाई और वजन को नापकर और फिर आपके शरीर की सतह का क्षेत्रफल निकालकर किया जाता है। इस तरीके से हर मरीज के लिए इलाज व्यक्तिगत हो जाता है। इलाज के पूरे कोर्स के दौरान इलाज के प्रति आपकी प्रतिक्रिया और आगे होने वाली खून तथा पेशाब की जाँच के आधार पर कीमोथेरेपी की इन खुराकों में बदलाव किया जा सकता है।
कीमोथेरेपी खाने वाली गोलियों के रूप में या इंट्रावेनस कैनुला नाम के उपकरण का उपयोग करके आपकी बांह की नस में एक द्रव के रूप में इंजेक्ट करके की जा सकती है, वरना इसे सेंट्रल लाइन नाम के एक उपकरण की सहायता से आपकी छाती के सामने वाले भाग में एक बड़ी नस के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। सेंट्रल लाइन स्थायी कैथेटर्स के रूप में होती है जिन्हें कीमोथेरेपी की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी नस में लगाया जाता है। इससे आपको हर बार एक नए कैनुला की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपको अतिरिक्त इंजेक्शनों के बिना भी खून दिया जा सकता है। मुझे कैंसर है, इसका इलाज कीमोथेरेपी द्वारा किया गया। हर तीसरे हफ्ते इस कीमोथेरेपी की दवा इंजेक्शन द्वारा हाथ में दी गई। इसके लिए मुझे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं लगी। दवाई का इंजेक्शन लेकर घर वापस जा सकती थी। ज्यादातर कीमोथेरेपी की दवाएं आउट पेशेंट के रूप में दी जाती हैं। कभी कभी दवा से पहले शरीर में नसों के माध्यम से द्रव पहुंचाने होते हैं और ऐसा मरीज को एक या दो रात के लिए अस्पताल में भर्ती करके ही किया जा सकता है। कीमोथेरेपी इलाज करने का एक और तरीका इन्फ्यूजन पंप द्वारा है। इसमें दवा एक कैसेट में रखी जाती है और सेंट्रल लाइन में लगातार पहुंचती रहती है, जबकि व्यक्ति स्वतंत्र होकर चल फिर सकता है। अब हम इन कारणों को समझाएंगे कि कुछ मरीजों को कीमोथेरेपी की राय क्यों दी जाती है। कीमोथेरेपी दिए जाने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला, जिनकी सहायक कीमोथेरेपी की जा रही है, यानी सर्जरी या रेडियोथेरेपी के द्वारा उनका ट्यूमर निकाला जा चुका है, लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कीमोथेरेपी की जा रही है ताकि भविष्य में शरीर के किसी अन्य हिस्से में ट्यूमर होने की संभावना को कम किया जा सके। दूसरी श्रेणी वो है जिसमें कीमोथेरेपी का लक्ष्य इलाज के मुख्य तरीके के रूप में चिकित्सा करना है। यह इलाज काफी गहन होता है, इसमें नियमित रूप से बदलाव करना पड़ता है और आमतौर पर इससे बहुत से विपरीत प्रभाव जुड़े होते हैं। तीसरी श्रेणी वो है जिसमें लक्ष्य चिकित्सा करना नहीं बल्कि ट्यूमर के कारण पैदा हुए किसी खास लक्षणों पर नियंत्रण करना होता है। इसे कभी कभी रोग को दबाने वाले इलाज के रूप में जाना जाता है। इस इलाज का लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, इसलिए कीमोथेरेपी से होने वाले विपरीत प्रभाव ट्यूमर के सिकुड़ने से होने वाले फायदों पर भारी नहीं पड़ने चाहिए। बाद की दो श्रेणियों में आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को दो या तीन अंतरालों के बाद आपकी बीमारी का दोबारा मूल्यांकन करना पड़ेगा ताकि ये जांच हो सके कि क्या कीमोथेरेपी प्रभावी रूप से काम कर रही है अथवा नहीं। यदि नहीं तो कीमोथेरेपी व्यवस्था को बदला जा सकता है। कीमोथेरेपी के विपरीत प्रभाव इस बात पर निर्भर हैं कि कौन सी दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले आपके ऑन्कोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट नर्स ने बता दिया होगा कि कौन से विपरीत प्रभावों के होने की सबसे ज्यादा संभावना है। कैंसर का निदान होने के बाद डॉक्टर और नर्स ने मुझे समझाया कि कीमोथेरेपी की वजह से मुझे शायद कुछ तकलीफ हो सकती है। इस इलाज की वजह से मुझे काफी थकान महसूस होती थी, हाथ की नसों में भी दर्द होता था और बाद में कुछ दिनों तक मुझे उल्टी जैसा महसूस होता था। मेरे सर के बाल भी कम होने लगे, लेकिन मेरी तबीयत वैसे ठीक लगती थी। मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको जो लिखित जानकारी आपके इलाज के लिए दी गई है उसे ज़रूर से पढ़ें और अपने डॉक्टर या नर्स से इसके बारे में बात करें ताकि आप इन तकलीफों के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर सके। अब हम अधिक सामान्य विपरीत प्रभावों के बारे में बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपके हैं। आपको ऐसे दूसरे विपरीत प्रभाव हो सकते हैं जिनके बारे में यहां बताया नहीं गया है। रक्त अस्थि मज्जा में बनता है जो आपकी हड्डियों के बीच मौजूद एक स्पंज जैसा पदार्थ है। रक्त के तीन मुख्य तत्व हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। कीमोथेरेपी इन तीन तत्वों को प्रभावित कर सकती है। यदि आप में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं न हो तो आप एनेमिक बन जाएंगे, जिससे थकान, शारीरिक मेहनत करने पर सांस फूलना और चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने के कारण संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है और आपको होने वाला कोई भी संक्रमण ज्यादा गंभीर होगा। यदि आपके रक्त में प्लेटलेट्स कम हों और आपके शरीर से खून निकलने की घटनाएं ज्यादा हों, नाक से खून निकले, पेशाब में खून आए, ज्यादा माहवारी हो या आप पाएं कि आपको बहुत जल्दी खरोच लग जाती है, तो इसके बारे में आपको विशेषज्ञ नर्स या ऑन्कोलॉजिस्ट को कहना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के लिए आपको अस्पताल जाना होगा।
सभी नहीं लेकिन ज्यादातर दवाओं के कारण बाल गिरते हैं। कभी कभी दवाओं के पहले या बाद बाल धीरे धीरे गिरेंगे। आमतौर पर कीमोथेरेपी पूरी होने के बाद ये फिर से उगाते हैं। एक बार जब बाल गिरने शुरू हो जाएं, अच्छा यही है कि बालों को काट कर छोटा कर लिया जाए। विग बनवाने के लिए भी काफी समय होगा। कुछ दवाओं के कारण उल्टी हो सकती है, इसलिए इन्हें हमेशा उल्टी रोकने की दवाओं के साथ मिलाकर दिया जाता है, जिनमें स्टेरॉइड्स शामिल हैं। इससे आमतौर पर उपकाई पर नियंत्रण हो जाता है। कुछ ज्यादा असामान्य विपरीत प्रभावों में शामिल है नाखूनों में होने वाले बदलाव, दस्त, त्वचा शुष्क होना, सुनने में कठिनाई, मुंह में छाले और हाथ पांव की उंगलियों में कील और सुइयां। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इन विपरीत प्रभावों के खतरे के बारे में आपको इलाज के पहले समझा दिया गया होगा। बहुत से मरीज अक्सर पूछते हैं कि इलाज के दौरान मदद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सकती हूं। इसके बारे में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। कीमोथेरेपी के दौरान नियमित रूप से ब्रश और मुलायम धागे से दांतों की सफाई करके मुंह को साफ रखना जरूरी है। हो सकता है कि कैंडिडा या मुंह या गले में होने वाले संक्रमणों से बचाव के लिए आपको एक द्रव पदार्थ दिया गया हो, इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। धूम्रपान और स्पिरिट जैसे उत्तेजकों से दूर रहना अच्छा है, लेकिन यदि इच्छा हो तो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल लिया जा सकता है। खूब सोने की कोशिश करें, स्वस्थ खाना खाएं जैसे ताजे फल और सब्जियां। यदि आपकी भूख कम हो तो थोड़ी मात्रा में बार बार खाने की कोशिश करें। रिश्तेदार या दोस्त इलाज के विपरीत प्रभावों का एक ब्यौरा तैयार कर सकते हैं ताकि आपके इलाज के दौरान मेडिकल स्टाफ को इसके बारे में बताया जा सके। अब हम अपना ध्यान रेडियोथेरेपी की ओर करते हैं। असाध्य रोग से पीड़ित मरीज का इलाज करने के लिए एक्सरे के इस्तेमाल को रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी अकेले की जा सकती है अथवा सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ भी। रेडियोथेरेपी को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रशामक चिकित्सा और रोग निवारक चिकित्सा। आपको ये समझा दिया गया होगा कि आप पर कौन सी श्रेणी लागू होती है। प्रशामक चिकित्सा का मतलब है कि ट्यूमर के कारण शरीर में पैदा हुए खास लक्षणों को दूर करने के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है, जैसा कि दर्द कम करने के लिए, खून का बहना बंद करने के लिए, आसपास के अंगों को नुकसान से बचाने के लिए। ये आमतौर पर थोड़े समय के लिए दी जाती है, या तो एक दिन में अथवा एक दो सप्ताह में। रोग निवारक चिकित्सा में ट्यूमर को पूरा खत्म करने के लिए ज्यादा मात्रा में रेडियोथेरेपी दी जाती है, इससे ज्यादा समय लगता है, अक्सर 4 से 6 सप्ताह तक, ताकि आपकी कोशिकाओं की मरम्मत की जा सके। रेडियोथेरेपी करने के लिए जरूरी साधन महंगे होते हैं और इनके लिए बहुत सारी जगह तथा खासतौर से प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट अक्सर बड़े रीजनल अस्पतालों या कैंसर सेंटरों में होते हैं। इस वजह से बहुत से मरीजों को अक्सर हर रोज दूर जाना पड़ता है। रेडियोथेरेपी केंद्र में आपका पहला अपॉइंटमेंट योजना बनाने के लिए होगा, या तो सिमुलेटर, सिटी स्कैनर या मोल्ड रूम में होगा। आपको इसकी जानकारी पहले दी जा चुकी होगी, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट में आने के बाद आप रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट कार्ड दिखाएं और वो आपको सही जगह भेज देंगे। सिर या गर्दन के हिस्से में इलाज करा रहे कुछ मरीजों के लिए आमतौर पर एक खोल या सांचा बनाया जाता है। इसके लिए एक बार मोल्ड रूम में जाना पड़ता है। मोल्ड रूम में आपके चेहरे और गर्दन की आकृति का प्लास्टर में ढला सांचा बनाया जाता है। इस सांचे से पर्सपेक्स का एक मुखौटा बनाया जाता है जो आपके सिर पर आराम से फिट हो जाता है, और इसमें आपकी आंखों, नाक और मुंह के लिए छेद होते हैं। ये आपके सिर को पूरी तरह स्थिर रखता है, इसलिए आपको इलाज के दौरान हिलने डुलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इससे निशान भी केवल मास्क के ऊपर बनते हैं, आपकी त्वचा पर नहीं। शुरू में यह मुखौटा थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे आपको केवल कुछ मिनटों के लिए ही पहनना होगा और जल्द ही आपको इसकी आदत हो जाएगी। इलाज की योजना बनाने की अवस्था के दौरान आपको सिमुलेटर रूम में जाने के लिए कहा जाएगा, जिसमें वास्तविक थेरेपी मशीन जैसी एक नकली मशीन मौजूद है, लेकिन इससे निकली एक्सरे केवल तस्वीरें लेने के लिए होती हैं। इससे रेडियोग्राफरों और ऑन्कोलॉजिस्ट को आपके शरीर के अंदर उस बिल्कुल सही जगह का निश्चय करने में मदद मिलती है जहां इलाज की जरूरत है। रेडियोग्राफर वे लोग हैं जो आपके इलाज की योजना बनाने और आपका इलाज करने के लिए मशीनों को चलाते हैं। वे आपके इलाज के किसी भी पहलू के बारे में आपको मदद और सलाह दे सकते हैं, और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं या किसी बात से चिंतित हैं तो इससे पूछने में आपको नहीं झिझकना चाहिए। योजना बनाने की अवस्था के दौरान आपके शरीर के सही नाप ली जाएगी, और इसके लिए आपको एक काफी सख्त काउच पर लेटना होगा जो थोड़ा तकलीफ दे सकता है।
कुछ मामलों में आपके शरीर पर एक पिन के बराबर गोदा जाता है जिससे नाप स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। आपको सिमुलेटर में भी एक से ज्यादा बार जाना पड़ सकता है। शायद यही समय है जब आपको सबसे ज्यादा समय के लिए काउच पर लेटना पड़े। एक बार सारी नाप लिए जाने के बाद आपके इलाज की बाकी योजना एक फिजिसिस्ट की सहायता से अलग बनाई जाएगी जो विकिरण के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ है। जरूरी मात्रा में रेडियोथेरेपी किए जाने का सबसे अच्छा तरीका निश्चित करने में वो ऑन्कोलॉजिस्ट की सहायता करता है। जब रेडियोग्राफर, फिजिसिस्ट और डॉक्टर आपके इलाज की योजना के बारे में 100% विश्वस्त हो जाते हैं तभी आपका इलाज शुरू होता है। इलाज करने की मशीन सिमुलेटर की तरह दिखती है लेकिन ये काफी बड़ी होती है। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी जो आपने सिमुलेटर में पहले नहीं किया है। आपकी रेडियोथेरेपी के दौरान ऑन्कोलॉजिस्ट नियमित रूप से आपको देखेगा और यदि क्लिनिक के समय के बाद कोई अन्य समस्याएं हो तो रेडियोग्राफर आपके डॉक्टर से हमेशा संपर्क कर सकते हैं। यदि इलाज के दौरान आपको कोई परेशानी महसूस हो तो मशीन बंद की जा सकती है और क्षण भर में रेडियोग्राफर आपके बगल में होंगे। इलाज आमतौर पर 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाता है और जब मशीन चालू रहती है उस समय आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। हालांकि जब आपका इलाज चल रहा हो उस समय रेडियोग्राफर कमरे में नहीं होते लेकिन एक वीडियो कैमरे पर आपका ध्यान रखा जाएगा। वहां एक इंटरकॉम भी है जिसे चालू रखा जाता है ताकि वे आपको लगातार देखने के साथ साथ सुन भी सकें। रेडियोथेरेपी के विपरीत प्रभावों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले जल्दी होने वाले विपरीत प्रभाव, ये इलाज के दौरान या उसके थोड़े समय बाद दिखलाई देते हैं और शरीर के जिस हिस्से का इलाज किया जा रहा है उसके आकार पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आपका पेट रेडियोथेरेपी के प्रति बहुत संवेदनशील है और इस स्थिति में उपकाई आने की समस्या से पीड़ित होना आम बात है। इलाज के 1-2 घंटे बाद उपकाई आ सकती है। यदि आपके पेट के एक बड़े हिस्से का इलाज किया जा रहा है तो पहले ही उल्टी रोकने की दवाइयां देना सबसे अच्छा होगा। रेडियोथेरेपी के दौरान आपकी त्वचा लाल हो सकती है तथा इस पर खुजली हो सकती है जैसा कि धूप में जलने पर होता है। आपके रेडियोग्राफर इन प्रतिक्रियाओं की तलाश करेंगे लेकिन जैसे ही वेदना महसूस हो आपको तुरंत उसे बताना चाहिए। इस पर क्रीम या पट्टियां न लगाएं जब तक कि आपका रेडियोग्राफर या ऑन्कोलॉजिस्ट ऐसा करने के लिए न कहे। इन हिस्सों को ज्यादा रगड़ने, धोने और धूप लगने से बचाएं। हर डिपार्टमेंट की अपनी त्वचा देखभाल नीति होगी जो आपके लिए उपलब्ध होगी। यदि महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में वृषण पर विकिरण हो तो प्रजननहीनता और हार्मोन का निकलना कम होने का खतरा होगा जिसके बारे में आपके साथ पहले से ही बातचीत होनी चाहिए। किसी भी हालत में महिला गर्भवती नहीं होनी चाहिए लेकिन यदि आप रेडियोधर्मी कोर्स के दौरान बच्चों या गर्भवती महिला से मिलते हैं तो उन्हें आपसे नुकसान पहुंचने का कोई खतरा नहीं है। आपके मुंह और गले पर की गई रेडियोथेरेपी के कारण कुछ वेदना हो सकती है। ये आमतौर पर आपका आधा इलाज हो जाने पर शुरू होती है और इलाज खत्म होने के समय तक ज्यादा हो जाती है लेकिन ये बाद में भी कुछ समय तक जारी रह सकती है। नियमित रूप से नरम ब्रश और मुलायम धागे से दांत साफ करने तथा माउथ वॉश के द्वारा अपने मुंह को साफ रखना जरूरी है। एक बार म्यूकोसाइटिस शुरू हो चुकी हो तो अक्सर इसके बाद होने वाले मुंह और गले के संक्रमण को रोकने के लिए इलाज किया जाता है। सिगरेट और अल्कोहल से दूर रहना और लगातार पौष्टिक आहार लेते रहना भी जरूरी है। रेडियोथेरेपी के कारण आपके उस हिस्से के बाल गिर जाएंगे जिसका इलाज हुआ है। आमतौर पर 2 या 3 सप्ताह के बाद ये गिरने शुरू होते हैं। ज्यादातर बालों का गिरना अस्थायी होता है लेकिन कुछ मामलों में स्थायी भी हो सकता है। ऐसे अन्य बहुत से तीव्र विपरीत प्रभाव हैं जिनके बारे में यहाँ बताया नहीं गया है लेकिन इलाज शुरू होने के पहले इसके बारे में आपको समझा दिया गया होगा। देर से होने वाले विपरीत प्रभाव वे हैं जिनको रेडियोथेरेपी खत्म होने के बाद दिखाई देने में महीने या साल भी लग सकते हैं। इन्हीं के बारे में ऑन्कोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा चिंता होती है। विपरीत प्रभाव उस हिस्से पर निर्भर करेगा जिस पर विकिरण डाला जा रहा है। यदि आपकी लार ग्रंथियों पर विकिरण डाला जा रहा है तो आपके मुंह में सूखापन होगा जो कई महीनों तक रहेगा। इलाज शुरू करने से पहले इस विपरीत प्रभाव के बारे में आपके साथ बातचीत होनी चाहिए। दूसरे देरी से होने वाले विपरीत प्रभाव बहुत कम देखने में आते हैं लेकिन इनके कारण काफी परेशानी हो सकती है। इनमें शामिल हैं त्वचा और इसके नीचे की संरचनाओं का मोटा हो जाना, ज्ञान तंतुओं को नुकसान, मूत्र मार्ग या आंतों को नुकसान, हृदय और फेफड़ों को नुकसान। दूसरा ट्यूमर भी हो सकता है लेकिन ऐसा कम होता है। आपके इलाज की रणनीति बनाते समय आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने देरी से होने वाले इन विपरीत प्रभावों के खतरों को ध्यान में रखा होगा। फिर भी ये खतरा आमतौर से 1-5% से ज्यादा नहीं होता। इन खतरों के बारे में आपसे बातचीत होना जरूरी है।
मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं अपने इलाज के लिए और उससे होने वाली तकलीफों के लिए अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर सकी, क्योंकि मैंने डॉक्टर की बात को ध्यान से सुना, मुझे दी गई लिखित जानकारी को अच्छे से पढ़ा और समझा, और साथ ही मुझे दिए गए वीडियो को भी देखा। मैंने अपने परिवार वालों की को अपनी बीमारी, उसका इलाज और उससे होने वाली तकलीफों के बारे में जानकारी दी, जिससे मुझे मेरे इलाज के दौरान और बाद में भी उनका साथ और सहारा मिला। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे सहायक ग्रुप है जो कैंसर और उसके इलाज के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं, उनसे जरूर से संपर्क करें, उससे आपको सहायता मिलेगी। आपने अभी जो देखा है, यदि इसमें से किसी भी विषय में आपको कुछ पूछना हो या आपको मुश्किलें हों, तो अपनी स्पेशलिस्ट नर्स या अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। कुछ ही पलों में आप कैंसर के मरीजों के लिए जानकारी के अन्य स्थानों के पते और टेलीफोन नंबर देखेंगे। मुझे पूरी आशा है कि ये कार्यक्रम आपके लिए सहायक साबित हुआ होगा, और आप सबके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।